बेटा जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। फोटो में तो बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन दिखने में कुछ और ही है। लगता है इन लोगों ने फोटोज को जरूर फोटोशॉप किया होगा। हमें गलत फोटो भेजकर मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। लगता है गलती से मेरे बेटे ने आपको पुरानी फोटो भेज दी। वैसे अब तो ये साइज 0 क्लिनिक भी जाती है, एकदम पतली हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। देखिए, आप इन फोटोज पर मत जाइए, कुछ गलत फहमी हुई है। फोटो वोटो छोड़ दीजिए, अब तो साक्षात आपके सामने खड़ी है हमारी बिटिया, इसमें तो कोई धोखा नहीं है ना। धोखा कैसे नहीं है, इन फोटोज को देखकर ही हम लोग लंदन से यहाँ आए हैं। एक NRI से शादी करवाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे क्या? पता नहीं मैडम के और कितने राज छुपा रखे होंगे। हो भी सकते हैं, अगर इसके पिता जिंदा होते तो शर्म से मर जाते बेचारे। आंटी, पारा बहुत चढ़ रहा है आपका, जरा कूल डाउन कीजिए। यहाँ वॉशिंग मशीन खरीदने आए हो क्या? हर 2 मिनट में नया नुक्स ढूंढ रहे हो, पसंद नहीं आई तो मना कर दो ना। चलो उठो यहाँ से। लड़की मोटी है तो रिजेक्ट कर दोगे, पर अगर वो शादी के बाद मोटी हुई तो डिवोर्स दे दोगे? अगर लड़कियाँ इस वजह से लड़कों को रिजेक्ट करने लगी ना, तो आधे लड़कों की शादी नहीं होती। बाहर का रास्ता पता है या छोड़ कर आऊं? अरे क्या कर दिया? आंटी वो ग्लास हमारा है, वापस रखो प्लीज। थैंक यू। गुड मॉ मम्मी। इट्स गोना बी अ न्यू बिगिनिंग इन हर लाइफ, शी इज ऑन द वे टू रीच आउट हर डेस्टिनी, बट ब्यूटी लाइज इन व्हाट शी इज। हे स्वीटी, स्वीटी जलेबी खा लो। माँ, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतनी गुस्सा हो? बापूजी, आपने अपनी दवाई ले ली? आप भी ना माँ, बच्चों की तरह बिहेव करती हो। ये डिब्बा भी ना, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दादू यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो लोग माँ की बेइज्जती कर रहे थे, मैं क्या खड़ी खड़ी देखती रहती? तू अब तक शादी ना कर लेती अगर तुझे मेरी इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह होती। तेरी शादी ना होने के कारण मोहल्ले वाले मुझे कितना ताना मारते हैं, लोगों के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। माँ, मुझे लगता था मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, आज पता चला बोझ हूँ। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले? थैंक्स, मैं काब्ज नहीं खाऊंगी। अरे ये काब्ज थोड़ी हैं, जलेबी हैं, एकदम मीठी। तुम्हें जलेबी सूट नहीं करती। एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की ने मुझसे कहा था कि हर प्रॉब्लम का सलूशन जलेबी में ही होता है। स्वीटी, मैंने ज्योति के बारे में सुना, आप ठीक तो है ना? वो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़की उस साइज 0 के झांसे में आई कैसे, तुम तो बहुत अकलमंद हो। मैं स्मार्ट नहीं हूं अभी, बेवकूफ हूं। मुझ जैसे बेवकूफ बहुत सारे हैं। रोज जब खुद को आईने में देखती हूं तो मोटे होने का दुख होता है। टीवी में, होर्डिंग में, यहां तक कि फिल्मों में, सब जगह स्लिम लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। पता नहीं एक मैं ही क्यों मोटी हूं। जब भी लड़के वालों के सामने जाती हूं दिमाग में बस यही टेंशन रहती है कि फिर से मुझे मना ना कर दे। तुम नहीं समझोगे। शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था।
प्लान तो दोनों का था ना।